Pakistan and Russia relations seems to be entering a new phase. Both countries' relationships, both countries' attitudes toward each other has transformed to a larger extent. Pakistan-Russia relations is a clear example of enemies at one time and friends at another time. क्योंकि आप देखते हैं कि 60 साल तक तकरीबन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली खेलते रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली प्ले करते रहे, पाकिस्तान यूएसएसआर के अगेंस्ट और यूएसएसआर पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन आज ये रिलेशनशिप आपको ट्रांसफॉर्म होता नजर आया, नो डाउट। ये ऑल्दो कि ये रिलेशन अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर है, ये फ्रेंडशिप जो है, ये कॉपरेशन जो है, इट इज इन इंसिपिएंट स्टेज, नेवरतलेस प्रॉस्पेक्ट्स इस रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप एक मल्टी डायमेंशनल और लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है। सबसे पहले हमें जरूरत है समझने की कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या रीजंस हैं, व्हाई पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान एंड रशिया अगेंस्ट ईच अदर आर टुवर्ड्स ईच अदर हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द लास्ट वन डेकेड ऑलमोस्ट। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड पाकिस्तान एंड रशिया रिलेशन इन रीसेंट टाइम्स। देखिए तीन चार कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन यूरो एशियन रीजन, सम जियोपॉलिटिकल चेंजेस इन यूरो एशियन रीजन हैव पुश्ड पाकिस्तान एंड रशिया टू रिव्यू देयर पॉलिसीज टुवर्ड्स ईच अदर and to transform this relationship into a friendship from enmity and animosity. वो क्या develop, क्या geopolitical developments क्या हैं, वो कौन से factors हैं? Number एक पे अफगानिस्तान की situation in Afghanistan। देखो अगर आप अफगानिस्तान की situation को देखें तो अफगानिस्तान की situation में आपको नजर आएगा कि जब से रशिया एक यूरो एशियन पावर के तौर पर इमर्ज हुआ है, जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं क्रेमलिन ऑफिस में, जब से रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से ही हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश रशिया एज अ यूरो एशियन पावर। और यूरो एशियन पावर जब से बना है रशिया, वो समझता है अपने आप को, उसकी अब ख्वाहिश ये है कि इस यूरो एशियन रीजन में जब कभी भी कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो वहां पर रशिया का एक की रोल होना चाहिए और रशिया के इस रीजन में सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ख्याल रखा जाए, उसको नजरअंदाज मत किया जाए। इसलिए रशिया अफगानिस्तान की सिचुएशन में, अफगानिस्तान में अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक्स देखता है। वो इंपॉर्टेंट स्टेक्स क्या है रशिया के अफगानिस्तान को पीसफुल और स्टेबल होना चाहिए, अफगानिस्तान से टेररिज्म खत्म हो जानी चाहिए और इस रीजन में खासतौर पर अफगानिस्तान से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। कोइंसिडेंटली पाकिस्तान के भी ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से टेररिज्म के थ्रेट देखता है कि आईएसआई अगर आ गई, अगर ये अनस्टेबल रहा तो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को स्टेबल और पीसफुल देखना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान भी ये समझता है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन हमेशा पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर असरअंदाज हुई है। नंबर एक। नंबर दो पे पाकिस्तान को जो सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया साउथ एशिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, ट्रेड इंटीग्रेशन में जो अपना रोल प्ले कर रहा है, इन सारे हवालों से पाकिस्तान भी चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल और पीसफुल रहे। तो दोनों के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान और रशिया की कोऑपरेशन में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफगानिस्तान की सिचुएशन है और सबसे ज्यादा कोऑपरेशन भी पाकिस्तान और रशिया की अफगानिस्तान के ऊपर नजर आएगी। इसलिए आपने देखा कि पिछले 5-7 साल में 2014 से ऑनवर्ड जितने भी मास्कोलेट इनिशिएटिव हुए हैं अबाउट पीस इन अफगानिस्तान, उसमें हर पीस इनिशिएटिव का पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट
पार्ट मेंबर रहा है, उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, रशिया ने पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा बनाया, इनवाइट किया है। तो पहली चीज है आपकी अफगानिस्तान की सिचुएशन। नंबर टू, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए, जब से रशिया ने अपना रिवाइवल देखा है, उसमें उन्होंने एक कंपोनेंट अपने इकोनॉमिक रिवाइवल का भी देखा है। वो समझते हैं कि अगर वीक इकोनॉमी रहेगी तो रशिया अपनी कभी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकेगा, नेशनल सिक्योरिटी को कभी स्ट्रेंथन नहीं कर सकेगा। इसलिए तो पिछले 14-15 साल में रशिया ने अपने इकोनॉमिक रिवाइवल पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। उस इकोनॉमिक रिवाइवल का रशिया के हवाले से सबसे की कंपोनेंट रहा है यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन जो 1993 में बनी थी बेसिकली। जिसमें रशिया की फॉर्मर स्टेट्स जो यूरोपीय ईस्टर्न यूरोप में हैं, जो उसका भी उसका हिस्सा हुआ करती थी यूएसएसआर का, और कुछ सेंट्रल एशिया के 2-3 मुल्क हैं वो उसका मेंबर हैं। लेकिन जब से बीआरआई आया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ 2013-14 में, तो उस वक्त इनिशियली रशिया लुक्ड एट बीआरआई विद एन आई ऑफ सस्पेशन, विद डाउट्स के बीआरआई के आने से चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस को कर्टेल कर सकता है यूरो एशियन रीजन में। बट ग्रेजुअली बोथ साइड्स रशिया एंड चाइना रियलाइज्ड कि इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन देम, दे नीड्स टू वर्क जॉइंटली इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इन ऑर्डर टू कर्टेल द अमेरिकन इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस रीजन। सो इस वक्त जो है यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग ईच अदर। अब चूंकि पाकिस्तान इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ बीआरआई, सो रशिया पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक, पाकिस्तान के अंदर और सीपैक के अंदर अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखता है। इसलिए आपने देखा है कि जब से सीपैक स्टार्ट हुआ है उसके बाद रशिया हैज शोन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। दो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, 2015 में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का और 2019 में एक और गैस पाइपलाइन का, जिसके ऊपर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रशिया करेगा। नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट 2015 में जिसमें $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है रशिया की, और 2019 में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। नहीं, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट ये गैस पाइपलाइन का, जिसमें बेसिकली होगा जो रशिया के मिडिल ईस्ट में गैस के गैस सप्लाई के सोर्सेज हैं, वहां से पाकिस्तान की तरफ 1500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन है ये। दूसरी जो 2019 की है। अच्छा, नंबर थ्री पे क्या फैक्टर है? नंबर थ्री पे फैक्टर है नाम शिफ्टिंग अलायंसेस। जनाब रशिया एंड पाकिस्तान एग्रीड अनदर गैस पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें रशिया के जो मिडिल ईस्ट के गैस रिजर्व हैं या गैस सप्लाई के जो उसके रिजर्व हैं, वहां से पाकिस्तान की तरफ 1500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का मंजूर हुआ है। नहीं, तीसरा जनाब शिफ्टिंग अलायंसेस से क्या मुराद है? आप लोग लिखने पे बहुत जोर देते हो, सुनते सुनते कुछ भी नहीं हो। शिफ्टिंग अलायंसेस से क्या मुराद है? देखो जनाब, जी बताओ। रशिया के पहले स्ट्रॉन्ग अलायंस था इंडिया के साथ, वो मतलब पाकिस्तान पर फोकस करता ही नहीं था, लेकिन अभी उसकी अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, वो इंडिया के साथ भी कंट्रैक्ट है, एग्रीमेंट्स कर रहा है,
मिलिट्री एग्रीमेंट को क्लेम्स वगैरह दे रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ इकॉनमी को मतलब इन्वेस्ट कर रहा है और सारा कुछ ये मतलब उसको पता लग गया कि मतलब आप बजाय किसके साथ मतलब देखो इस वक्त दुनिया आप सबको पता है कि इसमें मल्टीपोलर है, तीन बड़ी पावर्स हैं, तीनों पावर्स जिनमें से खासतौर पर चाइना और रशिया मिलके एक बड़े अमेरिका के खिलाफ एक ग्रेट पावर लेवल इस वक्त आपको नजर आती है। रशिया जब से रशिया का रिसर्जेंस हुआ है उसकी कोशिश है कि यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा करे और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कर्टेल करे। अब उसके लिए बड़ी पावर्स को अलायंसेस चाहिए होते हैं, एलाइज चाहिए होते हैं। उसका जो ट्रेडिशनल एलाई इंडिया था आज वो इंडिया के ऑर्बिट में चला गया। नो डाउट उसके यूएस रशिया के साथ भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बट इट कैन नेवर यूज इंडिया अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उसको इस खत्ते में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान साउथ एशियन रीजन जो है उसको इस खत्ते में एक इंपॉर्टेंट एलाई चाहिए। जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान के भी एट द सेम टाइम रिलेशनशिप यूएसए के साथ खराब होना शुरू हो गए क्योंकि पहले पाकिस्तान के यूएसए के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहे, पाकिस्तान फ्रंटलाइन एलाई था एवरीथिंग। तो रशिया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के यूएसए से रिलेशन खराब हुए और उधर से इंडिया जो कि रशिया का इंपॉर्टेंट अलाइ था वो यूएसए के ऑर्बिट में चले जाने लगा। तो इसलिए दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जनाब दोनों अपने अपने मफाद को देखते हुए दूसरे के साथ रिलेशन में चले। उसकी वो क्यों नहीं करेगा? देखें आर्म्स का सबसे बड़ा बड़ी मार्केट इंडिया के लिए रशिया है। आज भी 38-39 बिलियन डॉलर के हर साल वहां से आर्म्स लेता है। पर सर यूएसए ने ऑफर किया था टेक्नोलॉजी के लिए वो देखें बहुत जितना आगे हो जितना भी आगे हो उसकी दो तीन रीजन मैं बताता हूँ। 2013 में ऐसा हुआ कि यूएसए सरपास्ड रशिया एज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। अगले साल में दोनों कंट्रीज ने इंडिया और रशिया दोनों को परेशानी हुई कि जनाब हमें अपना ये स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि रशिया की अपनी इंपॉर्टेंस है इस रीजन में, ठीक है, और यूएसए की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो 2014 में अगले ही साल दोबारा रशिया ने उस स्टेटस अपना रिटेन कर लिया, ठीक है। तो रशिया सिर्फ इट्स नॉट सिंपली अबाउट अ मार्केट जो उसको प्रोवाइड कर सके चीजें और बड़ी चीजें, उनके ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल रिलेशन है। रशिया यहाँ पे बहुत बड़ी इमरजिंग रिसर्जेंट फोर्स है इस खत्ते में। So shifting alliances, तो इसलिए पाकिस्तान और रशिया जो है दूसरे के साथ करीब हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज की कि आप यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं करना क्योंकि यूएसए आपको हमेशा बिट्रे करता है, और रशिया की अपनी वजूहत कंपल्शन के इंडिया अब यूएसए की तरफ जा रहा है तो उसको एक अलाई चाहिए जो मिलकर उस दोनों के इंटरेस्ट म्यूचुअली सिक्योर हो सके। तो ये तीन मेजर रीजन हैं जनाब जो जिस जिस की वजह से पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन आज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब जरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पर देखें हाउ पाकिस्तान और रशिया रिलेशन हैव इवॉल्व सिंस 1947। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशन, go back to Pakistan-Russia relation, Pakistan-USSR relation back in 1947. So historical underpinning will reveal that Pakistan and Russia started with a very difficult trajectory. Pakistan and Russia's relationship, a difficult trajectory started
the year 1947 when Pakistan got independence, right from the beginning of Pakistan aur Russia ke darmiyan bade hostile relationship develop hue. Ab us waqt hostile aur difficult relations ke piche kya wajuhat bani? Aap bataiye, aap bahut serious baithi hain. हम क्यों गए पहले जैसे हम कैपिटलिज्म कहां कौन सा इस्लाम की करीब है. चलो ये एक ये इन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है, बल्कि इस्लाम इज मोर क्लोजर टू सोशलिज्म. अच्छा, तो वो जो है ना मार्क्सिज्म पे यकीन नहीं करते. आज आपके पास कौन सी ऐसी चीज, ऊपर से अल्लाह ताला ने किसी को या ख्वाब में किसी को कोई आ गया है पैगंबर के जी अब चाइना वाले भेज रहे हैं, वो भी तो मार्क्सिस्ट हैं. आज भी वो भी मार्क्स बेसिकली तो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ही है ना. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्लाइन है, मैंने सिर्फ ये कहा कि शिफ्टिंग अलायंसेस से मुराद ये है कि हमारे 2014-15 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब होना शुरू हो गए थे. ठीक है, खासतौर पर 2010 के बाद, ओबामा इंसिडेंट के बाद, रेमंड डेविस, इवन कैरी लूगर बिल के ऊपर देखें सारा कुछ. ठीक है, तो हमारे रिलेशन उस टाइप के नहीं थे जितने जिस तरह के बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे थे. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी ये सोच थी कि अगर हमें कोई और मार्केट मिलती है और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम अपने रिलेशन अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे. दैट्स व्हाई वी डिक्लाइंड अवर डिपेंडेंस. इकोनॉमिकली हम शिफ्ट हो गए चाइना की तरफ ज्यादा. ठीक है, हमारे हमें इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हुई बाकी चीजें. इसलिए 2014 से आनवर्ड आप इवन आपकी बजटरी जो पार्टिसिपेशन है अमेरिकन एड की वो बहुत कम हुई है. इन द सेम वे हमारी यूएस रशिया के साथ हमारी पार्टिसिपेशन सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर बढ़ी है. इससे पहले तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी. 2014 से पहले हमारे पर उन्होंने ऑल एम्बार्गो लगाया हुआ था, 1971 में लगाया था, जो 45 साल तक बोला. उनके ना डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर रहा था ना और कोई डिफेंस ऑफिशियल विजिट कर रहा था. ठीक है, तो अगर उस सेंस में देखें तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी आपको कि जहां पर आपके बिल्कुल रिलेशन खराब थे और आज आपने, आपको पता है 2014 के बाद इवन जो आपकी कन्वेंशनल साइड पे है ट्रांजेक्शन है वो आप नोट भी सबसे ज्यादा यूएसए से है, लेकिन जो चाइनीज शेयर है वो तकरीबन 20-25% तक हो गया है. ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब हम कुछ लिंक हो गए हैं रशिया के साथ. हमारी इवन ट्रेनिंग जो कभी यूएसए दिया करता था वो रशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है. आपकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अब उनके साथ वो हो रही है. तो अगर उस नजर में देखें तो ऑफकोर्स हमारे रिलेशनशिप शिफ्ट हो रहे हैं. They simply said कि पाकिस्तान and India needs to resolve their issues through dialogue. फ्रांस ने भी यही बात की है, यूके ने भी यही बात की है. इवन आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2016 में जब ब्रिक्स का समिट हो रहा था और इट वॉज इमीडिएटली इन दी आफ्टर मैच ऑफ दिस पूरी अटैक, जब मोदी ने कहा था कि जनाब हम आपको आइसोलेट करेंगे एंड ऑल दैट, जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने स्टॉप की बात इससे स्टार्ट की कि कुछ स्टेट्स हैं रीजन में जो के स्पॉन्सर करते टेररिज्म एंड ऑल दैट, उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ था. तो जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बारी पे सिंपली सेड के जनाब आप किसी भी एक नेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते टेररिज्म का, पाकिस्तान को या किसी और स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक ग्लोबल फिनोमिनन है. ठीक है, बहुत से मौके पर उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है. वो जो पहले रशिया का एटीट्यूड था वो चेंज हो चुका है, उस तरह का एटीट्यूड नहीं है रशिया का. रशिया इवन बहुत से सारे पीस इनिशिएटिव में इंडिया को नहीं बुलाता, इनवाइट करता, हमें इनवाइट करता है अब विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान. जहां तक आप बात कर रही हैं उसके ऊपर, जो ट्रंप के जो हमारा रिसेंट विजिट था इमरान खान का टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरे ख्याल में
The kind of space Pakistan has created on western side, अब इतना तो बनता है कि at least हम American president से इतना तो बुलवा सकेंगे, I'm ready to play a role. अगर वो forcefully नहीं कहता कि जनाब हम मैं role play करने के तैयार हूँ, at least वो इतना तो जरूर कहेगा, because इस वक्त अमेरिका फंसा हुआ है, we are the key player in Afghan peace process. की हमारे पास है उसकी, ठीक है, तो इतना स्पेस हमारे पास है कि हम उसको यूज कर सकें. हमारी ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी है कि हम इसको यूज कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर. हम यूएसए को कहेंगे इंडिया को प्रेशराइज करो, कश्मीर का इशू रिजॉल्व करो, एटलीस्ट कश्मीर के ऊपर उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल दैट. वो हमें नहीं हो सका जी, लेकिन इतना तो हमारा बनता है ना. अगर इस बेस पे वो इंडियन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जनाब उसने उसको कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया है स्पेस पाकिस्तान है जन अफगानिस्तान, तो फिर उसको बायस ओपिनियन है और ओपिनियन को कहेगा. ठीक है, अच्छा वैसे एक ये बड़ी दिलचस्प बहस है कि इस्लाम, अब आप लोगों ने इस्लाम में भी पढ़ा होगा, इस्लाम का जो माशी निज़ाम है खासतौर पर, बिकॉज कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कम्युनिज्म इज बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, बट इन रिसेंट टाइम्स कहीं पे ये एज एन इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ है, कहीं पर ये पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर हुआ है. जैसे अगर आप चाइना में देखें इस वक्त तो प्योरली पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन रशिया में एक प्योर इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर भी रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर भी रहा है. पॉलिटिकल साइंस किसने पढ़ा है से? इस वक्त किसका मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट किसका है? डर क्यों रहे हो यार? मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा यार, क्यों तो कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म बेसिकली लोग कहते हैं मार्क्सिज्म की वेज पे, नहीं मार्क्सिज्म कम्युनिज्म से तो सम एक्सटेंड निकला, बिकॉज कम्युनिज्म बहुत ही पुरानी आइडियोलॉजी है. मार्क्सिज्म जो है वो बाद में, पहली बात. दूसरी बात यह है कि कम्युनिज्म की अगर आप आइडियोलॉजी देखें, नो डाउट उसके अंदर बहुत सारी कोफराना अकॉर्डिंग टू अस काफिराना बातें जरूर मिलेंगी आप. अगर प्लेटो का कम्युनिज्म का सिस्टम पढ़ें, फैमिली और उसका, तो उसमें तो बेड़ा गर्व किया हुआ. जब हम चीजें बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हम क्लास में डिस्कस भी नहीं कर सकते खवातीन की, हाँ जो बात बात नहीं की थी, ठीक है. लेकिन बात यह है कि यार जो सोशलिज्म है कॉन्सेप्ट अमेरिका में, इट्स क्लोज टू इस्लाम. अगर आप इकबाल की फिलॉसफी को देखें, पॉलिटिकल फिलॉसफी को, तो इकबाल की पॉलिटिकल फिलॉसफी भी सारी की सारी सोशलिज्म की ही वो करती है. अगर आप इस वक्त दुनिया में सबसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर और लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से जो सबसे आगे कंट्रीज हैं, सारी सारी सोशलिस्ट स्टेट्स हैं. आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं, ठीक है, सारी सारी सोशलिस्ट स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर आप वो कंसेप्ट इक्विटी और इक्वालिटी का है, दोनों में फर्क है. इक्वालिटी की और इक्विटी क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो ये बड़ी दिलचस्प बहस है, किसी दिन फिर हम एक पूरा लेक्चर निकालेंगे उसके ऊपर बहस करेंगे कि इस्लाम का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम किस चीज़ पर ज्यादा चलिए, खासतौर पर इकोनॉमिक सिस्टम है. अच्छा जी, तो उसके हम रीजन पढ़ रहे थे, रीजन के बाद फिर हम बहुत सारी चीजों में पढ़े गए. पहले 1947 में वो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिफिकल्ट में चले गए? पहली रीजन ये थी कि जनाब डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल कंपल्शन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपल्शन. देखो डोमेस्टिकली 1947 में क्या था, पाकिस्तान एक नया मुल्क है, इकॉनमी बहुत वीक है, सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ एक्सटर्नली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी के, इंडिया वाज पोजिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की तरफ से भी सिक्योरिटी थी, और आपके पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे कि आप अपना डिफेंस बिल्डअप कर सकें. उसके लिए आपको डेफिनेटली एक ऐसी पावर की जरूरत थी, एक ऐसी स्टेट की जरूरत थी जो आपको सपोर्ट करती. सो कोइंसिडेंटली उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के प्रोसेस से गुजर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर आइदर ऑन दिस साइड और दैट साइड ऑफ दिस कोल्ड वॉर. सो पाकिस्तान की अब अपनी कैलकुलेशन थी कि उन्होंने क्यों यूएसए को चुना. देखिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए था, और उस हवाले से देखिए तो यूएसए बेहतर इक्विप्ड था, यूएसए अकलौता न्यूक्लियर पावर भी था,
फिर मिलिट्री साइड पे भी वो ज्यादा स्ट्रांग था यूएसएसआर से। दूसरी साइड पे अगर आप हिस्ट्री देखें उस वक्त इकोनॉमिक सपोर्ट रिफॉर्म एड बाकी चीजों की, तो यूएसए की हिस्ट्री बेहतर थी यूएसएसआर से उस टाइम पे 1947 में। 1947 में ही मार्शल प्लान, दूसरा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, उसके तहत न सिर्फ ये कि ग्रीस और टर्की को बचाया और उसको इकोनॉमिक एड दी, बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसका पर्पस बेसिकली यूएसए का ये था कि मैक्सिमम ममालिक को रशिया के यूएसएसआर के आर्बिट से, कम्युनिज्म से बचाया जाए। तो उसमें पाकिस्तान की कैलकुलेशन हुई कि जनाब हमारे लिए यूएस से एक बेहतर ऑप्शन होगा, तो वो हमें इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर सकता है। तो पहली रीज़न ये थी, उसमें आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपल्शन, वो कोल्ड वॉर थी तो आपको मजबूरन, इवन जो वो कंट्री जो नैम जिन्होंने बनाई वो भी किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व थे इस कोल्ड वॉर में, दे वर आल्सो टेकिंग साइड, इवन दोस कंट्री टू अनाउंस देमसेल्फ एज दी मेंबर ऑफ नैम, नैम मीन नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर्स थे। तो दूसरी क्या थी जनाब, दूसरी रीजन थी उस वक्त पाकिस्तान इंडोसेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। इंडोसेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से क्या मुराद है, इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से क्या मुराद है कि पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी रही है। उसमें यह है कि हमने ये हमारी ये कैलकुलेशन बताता है कि जो कंट्री इंडिया के ज़्यादा क्लोज होगा पाकिस्तान और उस कंट्री के दरमियान ट्रस्ट डेवलप करने में इंडिया विल रिमेन अ ब्लॉकेड, अ हर्डल। तो इंडिया की अगर आप देखें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप थी, they were very much inclined towards socialism and communism and they had very good relationship, particularly Nehru had developed very close relationship with Soviet leadership. Even before the establishment of India as a separate independent state, he visited USSR for more than 6 to 7 times. So immediately after establishing India as an independent state, उन्होंने reform जो की वो socialist एजेंडा के ऊपर एडवांस की और बड़े क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुए। तो हमने कहा जनाब इंडिया है डेवलप रिलेशन विद रशिया विद यूएसएसआर, सो हम हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा उनके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप करना या ट्रस्ट लेवल डेवलप करना। जी 1945 था नेहरू साहब, लेकिन उसकी जो सिस्टम के तौर पर इंक्लिनेशन थी दैट वाज टुवर्ड, इसलिए पूरे के पूरे कोल्ड वॉर टाइम में उसकी रशिया के साथ बड़ी क्लोज कोऑपरेशन रही है, न सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बल्कि सिक्योरिटी लेवल के ऊपर भी। 1965 की वॉर और 71 की वॉर में देखें तो उन्होंने बड़ा ओपनली रशिया ने उनको सपोर्ट किया है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था, दैट इज नॉट द केस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपके फिर आपका जो ओपिनियन है वो भी लेता हूँ। देखो यूएसए की यहाँ इस साउथ एशियन रीजन में एक पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। उन्होंने इसको दो तरीके से किया, पाकिस्तान के साथ अलायंस रख के, क्योंकि पाकिस्तान उसके कैंप में था, पाकिस्तान को इमदाद दे के इस चीज से रोका गया और इंडिया को प्रेशराइज करके रोका गया कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ गुड बॉय, you don't have to take extreme steps against Pakistan. Even 1971 ki war mein, main aapko bata 1971 ki war mein US se, ab aap agar ke White House ke declassified documents dekhe jo ab aakar declassified hue, usme badi clear jo Nixon government ki policy thi ke jab China ne ye convey kiya USA ko ke अगर इंडिया ने वेस्टर्न साइड पे और वॉर फ्रंट ओपन किया तो वी विल अटैक इंडिया, सो बोथ यूएसए एंड चाइना इंश्योर्ड दैट इंटेग्रिटी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रिमेंस देयर। उसी ही डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी बात लिखी है कि बाय मार्च 1971 याया हैज इंश्योर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वी विल गिव ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज बाय मार्च की 10 या 11 को जो मीटिंग करने गए थे या मुजीबुर रहमान से, मीटिंग के बाद कहा जाता है कि उस मीटिंग के दौरान शुरू में ये चीज हुई थी कि हम क्यों ना कन्फेडरेशन का एक फार्मूला लेकर आए,
कि आप बिल्कुल लूज फेडरेशन हो जिसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो दोनों साइड, एक दरमियान में लूज फेडरेशन या जिसको कन्फेडरेशन कहते हैं उसका एक फार्मूला लेकर आए। लेकिन बाद में व्हेन ही टॉक टू हिज जनरल्स एंड बैक टू द एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कन्फेडरेशन या लूज फेडरेशन में नहीं रहना चाहते। जिसके बाद सो मार्च 1971 में हमारी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप, दे वर मेंटली दे वर रेडी to shrug this eastern part of their federation or the union. मतलब बिल्कुल तैयार थे। So लेकिन उस वक्त भी USA ने ये उन्हीं classified में था, उन documents में देखे तो बड़ी गंदी किस्म की language use हो रही है इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के against की किस्म की जो कि उनके officials use कर रहे थे। तो उस वक्त भी उन्होंने एटलीस्ट इंडिया को ये जरूर प्रेशराइज किया कि पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की अपनी इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो दे इंश्योर्ड कि इंडिया भी एक अच्छे बच्चे की तरह खेलता है, पाकिस्तान भी इस किस्म का बिहेव मत करे कि वो इंडिया के अगेंस्ट जाए। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश की हमेशा हमने, इसलिए उन्होंने 1965 के बाद में भी हमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जब हमने USA का प्रोवाइड किया आर्म्स को यूज किया इंडिया के अगेंस्ट, हमारे पर सेंक्शन लगा दिए उन्होंने कि जनाब हमने ये आपको दिए थे रशिया के अगेंस्ट, कम्युनिज्म के अगेंस्ट यूज करने के लिए, आप इस इंडिया के अगेंस्ट यूज क्यों कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर USA का प्रोवाइड किया हुआ असला पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज हो तो इंडिया को से कंसर्न होगा डेफिनेटली। और इवन 1971 के बाद में जिस पहली बेड़े का हम क्या इंतजार करते रहे वो आज तक नहीं पहुंचा, बिकॉज़ दे डिड नॉट गो अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट किया, उन्होंने कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी क्लोज कोऑपरेशन रही। 1954 में हमने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया सिएटल सेंटर 1954-55 में ज्वाइन किया, और बाय 1959 तो पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज एलाई बन चुका था। जी पढ़ा था कि जो गवर्नर था इंडिया का उसकी कुछ क्योंकि वो यूके का था तो उसकी कुछ नेक्स्ट थे यूएसए में तो वहां से उसको यह देखो उसकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इंडिया आपसे बहुत बड़ा मुल्क उस पर भी, ठीक है ना, बाय एरिया बाय पॉपुलेशन और इकॉनमी बहुत बड़ी, सो ऑफकोर्स यूएसए की ख्वाहिश थी। और इंडिया वाज आल्सो बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, इंडिया ने कभी यूएसए के अगेंस्ट काम नहीं किया तो यूएसए क्यों उसके अगेंस्ट जाता, इतने बड़े मुल्क के बगैर जब वो रशिया के साथ मिलकर यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंडिया ने शुरू से ही दे हैव प्लेड वेरी स्मार्टली, उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। इवन 1961-62-63 में उन्होंने यूएसए से बहुत सारी एड ली जिसके लिए उन्होंने जाकर अपने तालीमी इदारे जाके बनाया उन्होंने। टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज्यादातर उन्होंने फ्रांस से ली, बेसिकली जो प्रोवाइड किया वो फ्रांस ने की उनको ज्यादा। एनीवेज यार, तो हमने अल्टीमेटली हमारी चॉइस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, और 1951 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर टू गो फॉर विजिट डिस्पाइट द इनविटेशन फ्रॉम बोथ साइड। फिर 1954 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दोनों ने दे साइन म्यूचुअल an agreement of defense and mutual agreement. Pakistan and United States of America signed mutual defense and friendship agreement. Jiska purpose ye tha ki Pakistan will get security aid from United States of America. Pakistan ka defense military build up kiya gaya, Air Force नए सिरे से पाकिस्तान की डेवलप की गई, नेवल सपोर्ट शुरू हुई पाकिस्तान को, एंड इन रिटर्न पाकिस्तान एग्री टू रेंट इट्स एयर बेसिस टू बी यूज्ड अगेंस्ट यूएसएसआर। पाकिस्तान की एयर बेसिस
रशिया के अगेंस्ट, यूएसएसआर के अगेंस्ट स्पाई एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर आपने 1954 में सीएटो ज्वाइन किया, फिर सेंटो ज्वाइन किया 1955 में। सीएटो और सेंटो दोनों का पर्पज ही क्या था? कर्टेलमेंट ऑफ कम्युनिज्म। सो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान स्टार्टेड डायरेक्टली प्लेइंग अगेंस्ट यूएसएसआर, जिससे वो जो ट्रस्ट की कोई थोड़ी बहुत स्पेस मौजूद थी वो भी सारी खत्म हो गई। तो फॉर द नेक्स्ट 13 to 14 years till 1965 तक रिलेशनशिप रिमेन्स वेरी मच डिफिकल्ट। इवन 1962 में दिस इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेमस U2 इंसिडेंट हैपेंड। U2 बेसिकली प्लेन का नाम था, स्पाई प्लेन का नाम था, व्हेन इट वाज कैप्चर्ड बाय रशियन बाय सोवियत यूनियन, एंड व्हेन द पायलट ऑफ दैट प्लेन वाज इंटरोगेटेड टू रिवील दैट पाकिस्तानी सॉइल, पाकिस्तानी बेसिस एंड पेशावर वर यूज्ड, वहां से सारी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। सो इसलिए 1965 में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया, सिक्योरिटी के हवाले से डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से सपोर्ट किया। बट 1965 के बाद पाकिस्तान के रिलेशनशिप 70 तक, दिसंबर 1970, इस दौरान रिलेशनशिप थोड़े इंप्रूव होना शुरू। उसकी दो तीन रीजन थी। एक तो रीजन ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिट्रे किया सेंक्शन लगाकर। नंबर दो पे अमेरिका आल्सो रिफ्यूज टू प्ले रोल ऑफ मीडिएटर एट द एंड ऑफ 1965 वार, जिसके बाद रशियन ऑफर्ड इट्स मीडिएशन और ताशकंद में जाकर वो मायदा हुआ। सो पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी फिर रिवाइज हुई 1965 की वार के बाद। इसलिए आप देखते हैं कि 67 में फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक्सचेंज हुआ। 69 में स्टील मिल्स का एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि बाद में एग्जीक्यूट हुआ 72 में जाकर, लेकिन साइन वो 69 में हुआ। 1969 में स्टील मिल्स एग्रीमेंट वाज साइन। अच्छा जी, 9 दिसंबर 1970 वन सिंगल इंसिडेंट वंस अगेन चेंज पाकिस्तान रशिया रिलेशन, पाकिस्तान सोवियत यूनियन रिलेशन, जो बेहतरी आ रही थी पाकिस्तान रशिया के रिलेशन में पिछले पांच चार साल में, वो दोबारा रिवर्स हो गई और पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन दोबारा उसी नहज पे आ गए, उसी स्टेज पे आ गए जो 1965 से पहले थे। वो दिसंबर 1971 में क्या हुआ? 1970 में अफगान, आप बताओ जी, रशियन फेडरेशन टूट गई, ऑयल एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन बंद हो गई, रशिया फेडरेशन बंद हो गई। जी आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? वो तो उमर साहब, आप बताएं। वार के बाद हो जाना अफगान, वार के बाद 1990 या देखो, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि रशिया का एक बहुत बड़ा पार्टनर चाइना था, उसी के कम्युनिस्ट ब्लॉक में था। तो रशिया के लिए चाइना एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, इतना बड़ा मुल्क इस खासतौर इस रीजन में, और रशिया और चाइना के दरमियान, यूएसए और चाइना के दरमियान किसी किस्म के कोई रिलेशन नहीं थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। इवन उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, रादर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था। लेकिन दिसंबर 1970 में रीअप्रोचमेंट स्टार्ट हुई यूएसए और चाइना के दरमियान, और रीअप्रोचमेंट किसके थ्रू हुई? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग ऑफ चाइना टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दैट्स फेमस सीक्रेट विजिट ऑफ हेनरी किसिंजर टू चाइना, जो पाकिस्तान के रास्ते से हुआ, वहीं से ओपनिंग हुई, और फिर निक्सन का विजिट भी हुआ चाइना का। ये चीज रशियन को और सोवियत को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, जैसे कि ना पाकिस्तान ने उनकी कमर तोड़ दी है, बिकॉज
पाकिस्तान के ही थ्रू सारी पहले नेगोशिएशन हुई, बैकडोर जितनी नेगोशिएशन चल रही थी वो पाकिस्तान के थ्रू हुई। सो पाकिस्तानी एम्बेसडर पोस्टेड इन मॉस्को, उसको बुलाया गया, ही वाज कन्वेयर्ड के पाकिस्तान विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दिस। और उसके बाद फिर आप देखते हैं नवंबर 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई, जंग से पहले ही रशिया एंड इंडिया वेंट इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी, जिसके तहत रशिया ने पूरी जंग के दौरान एक डेढ़ महीने में कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ आर्म्स टू इंडिया। न सिर्फ ये कि बल्कि जब नवंबर के आखिरी वीक में व्हेन देयर वर एफर्ट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू सीक अ पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इशू, उस वक्त तीन बड़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन मूव की गई पाकिस्तानी फ्रेंडली कंट्री से। वो तीन रेजोल्यूशन का पर्पज ये था कि जंग को रोक के इसका पॉलिटिकल सलूशन निकाला जाए, लेकिन वो तीनों रेजोल्यूशन दे वर वीटोड बाय यूएसएसआर इन फेवर ऑफ इंडिया। सो यू कैन से कि रशिया यूएस सोवियत यूनियन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान बाय सपोर्टिंग इंडिया। अच्छा एक चीज, 1947 और 1990 के दरमियान वर्ड यूज करना अपने सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, उस वक्त रशिया यूज नहीं करना, रशिया बाद में इमर्ज हुआ क्योंकि यूएसएसआर का एक रशिया, उसमें 15 और स्टेट्स थी, ठीक है। तो जैसे ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन का, उसमें से रशिया अलहदा हो गया और बाकी 15 के 15 स्टेट्स वो अलहदा हो गई। तो इसलिए मैं मिक्स कर जाता हूँ कहीं पर, आपने ये चीज माइंड रखनी है कि उसमें सोवियत यूनियन और यूएसएसआर यूज करना है। उसके बाद ना अगर आप 1972 के बाद का टाइम देखें, 1972 से 79 तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आई है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ लीडरशिप ब्रॉड चेंज इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम इनिशियली चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सो ही हैड अ डिफरेंट विजन। ही वाज सोशलिस्ट नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे वो ही वाज इन फेवर ऑफ डिस्टेंसिंग पाकिस्तान अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी थी, उसने पाकिस्तान को यूएसए से दूर किया, चाइना और रशिया के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा करीब के रिलेशनशिप डेवलप हुए गल्फ कंट्रीज के साथ। 72 और 74 के दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो विजिटेड यूएसएसआर एंड रशियन प्रेसिडेंट ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान, और अब्दुल हफीज पीरजादा हु वाज लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड ही वाज वेरी क्लोज टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ही क्लेम्स दैट पाकिस्तान और यूएसएसआर के दरमियान 71 और 75 के दरमियान बहुत री अप्रोचमेंट हुई। उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया को कन्विंस किया कि इन द रिपेट्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन रिपेट्रिएशन में नंबर वन, एंड नंबर टू इट आल्सो प्लेड अ रोल इन कन्विंसिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू डिले द रिकग्निशन ऑफ बांग्लादेश अंटिल 1974, जब तक पाकिस्तान के की प्रिजर्वेशन एड्रेस ना हो गई। तो उस वक्त रशिया ने एक बड़ा, यूएसएसआर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बड़ी रिएप्रोचमेंट हुई, विजिट्स हुए और इस किस्म के रोल। फिर 72 में जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 69 में वायदा हुआ था स्टील मिल्स का, दैट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1972। स्टील मिल्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। यार आप लोगों के 3 लेक्चर्स हुए हैं, पहले 4 लेक्चर्स हुए हैं, 3 हुए हैं, आज चौथा लेक्चर है, अभी हमारे 2 लेक्चर होंगे उसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नमाज के ब्रेक चले गए, नमाज के ब्रेक में अपनी कैलकुलेशन करेंगे ना कि आपने 120 मार्क्स ही लेने हैं, फिर मेरे ख्याल में आप दौड़ से बहुत बाहर हो जाएंगे। क्या आपने अगर 120 मार्क्स ही जेब में रखना है, कहाँ से हो आप? आप पंजाब से हो, फिर तो आप मजलूम हो ना, पंजाब का बंदा मजलूम ही होता है, पंजाब में कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। पंजाब का जो खास तौर पर पंजाबी मर्द जो है, पंजाबी औरत के लिए फिर भी है कि औरत का कोटा है, लड़कियों का कोटा है अलग, लेकिन पंजाबी मर्द तो माइंड में रखें कि 700 नंबर लेगा तो कुछ बनेगा, उसका कुछ नहीं बनना,
अगर ज्यादा लोग पास हो गए इंटरव्यू में, मार्क्स बैड लक हो गई, तो फिर वो कहीं बाहर निकल सकता है। इसलिए अगर आप पंजाब से हैं और खासतौर पे वो मर्द भी हैं, 707 पे आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इवन पंजाब से अगर लड़कियां कभी देखा जाए तो उनके लिए भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो आप इस टर्म में मत सोचें कि मैंने 120 लेने या 40, हाँ ऐसे और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन हद तक तो ये बात ठीक है कि आप हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि पास हो जाए, बाकी मैं इसको मैं कहीं नहीं कंपनसेट कर पाऊंगा। सर ये सिराकिस्तान कब तक बन जाएगा? सिराकिस्तान कब तक बन जाएगा? सिराकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं यार, सिराकिस्तान कब बन जाएगा बताओ मुझे। वी हैव नेवर डिमांडेड एनी सिराकिस्तान, वी हैव डिमांडेड अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम साउथ पंजाब, साउथ पंजाब बनाया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और वो बन जाएगा। यू विल सी इन देयर फ्यूचर, पर इस गवर्नमेंट में नहीं होगा, इस गवर्नमेंट में नहीं होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, ना यहाँ पे मौजूद है सेंटर में, ना ही पंजाब में। पंजाब में टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए इनको, जो कि नहीं है इनके पास। तो अभी ये आप सुनते रहेंगे कि जनाब इतने पैसे गवर्नमेंट ने मख्सूस कर दिए साउथ पंजाब सेक्रेटरी ने सारी, ये आवाम को लारा लगाते रहेंगे। ये चीज़ें आप 5 साल सुनेंगे, लेकिन अगले टेन्योर में अगर पीटीए गवर्नमेंट आ जाती है, अगला टेन्योर अगर पीटीए गवर्नमेंट आ जाता है, तो बिकॉज ऑफ जहांगीर सिंह फैक्टर यू विल सी के साउथ पंजाब, अगर इस बार इनके पास 2/3 मेजोरिटी होती तो साउथ पंजाब का सूबा बन चुका होता। तो वो अभी कभी नहीं बनेगा, इस गवर्नमेंट में नहीं बनेगा। एनीवेज हम पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस डिस्कस कर रहे थे 1972-79, इसके दरमियान बड़ी रीअप्रोचमेंट हुई, काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर हुए। अब 77 में ये हुआ कि ना यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई पाकिस्तान में, चेंज इन द फेस ऑफ लीडरशिप, चेंज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आल्सो। 5th of July 1977 मार्शल लगा जब पाकिस्तान में, तो मर्द मुजाहिद अमीर अल मोमिनीन साहब यहाँ तशरीफ लाए पाकिस्तान में, ही बिकेम द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। और 72 और 79 के दौरान नो डाउट पॉलिसी हमारी यूएसए से डिस्टेंस की ही थी, लेकिन मर्द मुजाहिद साहब की यही कोशिश थी कि यूएसए उसको गले लगा लें। उसकी रीजन ये थी कि उसको ना तो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी मिल रही थी और ना ही इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल रही थी। डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, मार्शल लगाया हुआ था, पॉलिटिकल प्रेशर और बाकी चीज़ें थे, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर भी था उसके ऊपर। खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ था उस वक्त। उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, व्हेन 1978 प्रेसिडेंट कार्टर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ही वाज विजिटिंग इंडिया एंड ही वाज रिक्वेस्टेड टू हैव अ स्टे ओवर इन पाकिस्तान फॉर 2 or 3 hours, सो ही रिजेक्टेड पाकिस्तान्स रिक्वेस्ट एंड ही सेड आई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द नेशन हु इज द लीडर ऑफ दिस लिबरल वर्ल्ड ही कैन नॉट शेक ही कैन नॉट हैंड शेक हैंड विद द विद अ डिक्टेटर विद एन माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर। एनीवेज फिर ऑल ऑफ सडन 1979 दिसंबर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इमर्ज हुई। 1979 दिसंबर 1979, अब पता नहीं की कोई उसने मन्नत से मांगी हुई थी या क्या हुआ, अब उसके लिए सारे दरवाजे जनाब ओपन हो गए। क्या हुआ कि एक्सटर्नल फ्रंट पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास आई कि रशिया इन्वेडेड, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान दिसंबर 1979। अब अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर अफगानिस्तान में रशिया ट्रैप हो चुका था, कि यहाँ पर अफगान फोर्सेस को, अफगान फैक्शंस को जो कि रशियन इन्वेड के अगेंस्ट थी, उनको सपोर्ट किया जाए और रशिया को यहाँ पर डिफीट किया जाए। उसके लिए उसको यहाँ पर एलाइज चाहिए, पाकिस्तान उसका इमीडिएट नेबर था। ईरान उसका पहले एक एलाई था, लेकिन ईरान में एक चेंज आ गई दिसंबर, वो भी सितंबर या अक्टूबर 1979 में, कि यहाँ पर
शेयर रेवोल्यूशन आई, गवर्नमेंट का चेंज हुआ, जो कि जो गवर्नमेंट आई नहीं वो अमेरिका के अगेंस्ट थी। तो एक पाकिस्तान ही था जो उसको जिसको सपोर्ट कर सकता था। तो पाकिस्तान यहाँ पर लीडरशिप ने ये सोचा कि जहाँ उनके पास एक बड़ा गहरा मौका है, बड़ा सुनहरी मौका है कि अमेरिका के भी करीब हो जाएंगे, ठीक है, पैसा भी मिल जाएगा। अब जिया उल हक साहब की तो जहाँ पांचों उंगलियां घी में आ गई, अमेरिका के आशीर्वाद, पैसा, डोमेस्टिकली भी उसके लिए बड़ा सुनहरी मौका कि यूज द नेम ऑफ इस्लाम टू सपोर्ट हिज फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर्स। यूज द नेम ऑफ इस्लाम के आई एम पार्ट ऑफ लीडर ऑफ द ग्लोबल जिहाद अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट फिरौनी और काफिर फोर्स जो कि हमारे हमसाया मुसलमानों के ऊपर हमलावर है। तो उसने डोमेस्टिकली सारे सिस्टम को चेंज किया, इस्लामाइजेशन लेकर आया, यहाँ पर सुन्नी फिरका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, पैट्रोनेज मिली, और अगले 10 साल तक पाकिस्तान रिमेन एंगेज इन अफगानिस्तान डायरेक्टली अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस। पाकिस्तान वॉज द प्लेस वेयर अफगान सो कॉल्ड मुजाहिदीन वर पिक्ड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द अरब वर्ल्ड, उनको भेड़ बकरियों की तरह बंद करके यहाँ पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में तरबियत दी गई, ट्रेनिंग दी गई। एनीवे, सो अगले 10 साल तक पाकिस्तान और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे। 1989 में दैट दिस अफगान कॉन्फ्लिक्ट, अफगान जिहाद एंडेड इन द रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ रशियन फोर्सेज। फिर अगले 10 साल तक इवन रशियन फोर्सेज निकल गई, यूएसएसआर का डिक्लाइन फॉल आउट हो गया। अगले 10 साल तक भी पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट फैक्शंस को सपोर्ट करते रहे अफगानिस्तान में। रशिया की ख्वाहिश थी कि नॉर्दर्न अलायंस, जिनको वो 79 से आगे सपोर्ट कर रहा था, उसको सपोर्ट करता है। इंडिया, ईरान और रशिया ये नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया वर सपोर्टिंग मुजाहिदीन, मुजाहिदीन के जो 7 ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट किया, जिसमें से फिर तालिबान इमर्ज एज स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन 1996 एंड दे एस्टैब्लिश देयर रूल इन अफगानिस्तान। सो 2001, अब आ जाए 2001, सो 2001 79 से 2001 का जो 30 साल का ऑलमोस्ट है, मोर और लेस 20 साल का बनता है, 20 साल का 2021 years, Pakistan and Russia, they were not only in a diplomatic deadlock, rather Pakistan played an instrumental role in the breakup of USSR or Soviet Union. Ab 2001, September 2001, 9/11 jab hua, 9/11 ke baad jab ISAF forces aayi Afghanistan mein, to America ne apni policy change ki Afghanistan mein and also towards Pakistan. इससे पहले पाकिस्तान और अफगान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे वर क्लोजली इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग अफगान जिहाद। लेकिन अब जब पाकिस्तान, सॉरी, आईएसएफ फोर्सेस लेड बाय यूएसए दे इन्वेडेड अफगानिस्तान, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान वाज सिलेक्टेड एज द फ्रंट लाइन एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन वॉर अगेंस्ट टेरर, लेकिन अफगानिस्तान की डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन की जब बारी आई तो पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया। India was given a frontline role in reconstruction and development of Afghanistan, जिससे पाकिस्तान felt betrayed, और उसके बाद यहाँ पर एक ख्वाहिश, एक सोच पैदा हुई कि हमें अपनी foreign policy को diversify करना चाहिए। यही नतीजा था कि जिसमें I think it was in December 2001 or January 2002, ये डेट चेक कर लीजिएगा, when General Musharraf paid a visit to Russia. So, ये तकरीबन 30 साल, 20 या 22 साल के बाद किसी भी पाकिस्तानी लीडर का पहला विजिट था रशिया की तरफ। सो दिस वाज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन यूएसए पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड आल्सो टुवर्ड्स इंडिया, जिससे पाकिस्तान में ये सोच पैदा हुई। सो 2001 के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी यूएसए के साथ चेंज होना शुरू हुई ग्रेजुअली, लेकिन अगले 7-8 साल तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हुई पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, किसी किस्म का एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड भी इंप्रूवमेंट और कुछ ना हुआ। 2007 में फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान, 2007 में फिर रशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान में विजिट किया, और 2008 में आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन अगेन केम टू पावर इन रशिया।
उसके बाद पाकिस्तान और रशिया के दरमियान रिलेशनशिप थोड़े से इंप्रूव होना शुरू हुए। जैसे 2011 में एक बार एक जर्नलिस्ट ने व्लादिमीर पुतिन से क्वेश्चन किया कि अगर पाकिस्तान हैज अप्लाइड द मेंबरशिप ऑफ एसटीओ तो आपका क्या रिस्पांस होगा, तो उन्होंने कहा जनाब हम पाकिस्तान की एसटीओ में इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन ओवर पाकिस्तान इंक्लूजन। 2011 की बात कर रहा हूँ। 2014, दिस इज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क ईयर इन इंडो एंड पाकिस्तान रशिया रिलेशन। 2014. Why 2014 is considered as a landmark year in Pakistan-Russia relations? Dekho, this was a year when Pakistan and Russia started security and strategic cooperation. Isse pehle 45 years tak Pakistan aur Russia ke darmiyan strategic or defense cooperation non-existent thi. Even they had imposed an arms embargo on Pakistan, ke Pakistan ko arms sell nahi kar sakta tha. 2014 mein Russian defense minister visited Pakistan, aur ye bhi ke 45 saal ke baad pehla koi Russian defense minister Pakistan ko visit kar raha tha. 2014 mein Pakistan ka visit kiya, aur us visit ke dauran hi Pakistan showed interest to purchase Mi-35 fighting helicopters. फिर 2015 में जनाब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन शुरू हुई। गैस पाइपलाइन का पहला मनसूबा हुआ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट इन 2015। में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई जो कि पाकिस्तान में हुई गिलगित बल्तिस्तान में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। 2017 में फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई रशिया के अंदर, पाकिस्तान और रशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज रशिया में हुई 2017 में। राहील शरीफ विजिटेड रशिया। 2018 में प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, कमर जवेद बाजवा एंड डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर आल्सो विजिटेड रशिया इन 2018। यस सेपरेटली सितंबर 2017 में, वो जो मैंने आपको बताया 2014 में हमने Mi-35 की ट्रेड के ऊपर हमने बातचीत शुरू की। सितंबर 2017 में पाकिस्तान परचेज 4 Mi-35 फाइटिंग हेलीकॉप्टर फ्रॉम रशिया, 4 Mi-35 फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स। सो व्हेन दस्तगीर वाज विजिटिंग रशिया इन 2018, he showed interest in taking this purchase of Mi-35 helicopters from 4 to 20. Thus, Khurram Dastagir ne kaha ki hum ye 20 Mi-35, matlab 16 mazeed hum Mi-35 fighting helicopters khareedna chahte hain. 2018, September 2017 mein, theek hai. Ab 2018 और 2019 के दोनों एससीओ के समिट जो हैं, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2018 और 2009 के एससीओ के समिट में पाकिस्तानी और रशियन लीडरशिप के दौरान ऑन द साइड लाइंस ऑफ एससीओ मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी एंड रशियन लीडरशिप हेल्ड बायलेटरल मीटिंग 2018 एंड 2019, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना। ये भी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ एससीओ इन 2017 और रशिया की रिकग्निशन और रशिया की रजामंदी के बगैर पाकिस्तान एससीओ में दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ एससीओ, नेमली चाइना एंड रशिया। वो भी बना है
लेकिन वो कर सकते थे। 18 और 19 में SCO मीटिंग की साइडलाइंस पे पाकिस्तान और रशियन लीडरशिप की मुलाकातें हुई। 2019 फरवरी 2019 में पाकिस्तान और रशिया साइन अनदर एग्रीमेंट इन एनर्जी सेक्टर इन विच रशिया हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट $10 billion टू कंस्ट्रक्ट a 1500 kilometer gas pipeline wo main development bata raha hu usme aur maine reason batayi hai theek hai so this is how pakistan and russia relationships have evolved since 1947 to aaj agar aap dekhe to pakistan aur russia ke relationship aapko ek different dimension mein nazar aayenge aaj ye relationship cooperation ki taraf mein confrontation ka element bahut kam ho gaya hai अब पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को अगर आप डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करें, मैंने बहुत सी चीजें बता दी जस्ट आपने इसको जब आप पेपर में लिखते हैं तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को थोड़ा शॉर्ट करके लिख लीजिएगा 1 से 1.5 पेज में, बाकी आपने इसको डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करना है। इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, मैं 3-4 मेन पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया वर एस्टैब्लिश्ड इन 1947 ओके, रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए एंड रशिया स्टार्टेड इंपोर्टिंग जूट एंड कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान इन अक्टूबर 1947 फिर 1963 OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी जो है OGDCL वाज एस्टैब्लिश्ड विद द financial assistance of 200 million rubles from Russia. Russia provided financial assistance to Pakistan to establish OGDCL in 1963. Then 1972, steel mill was established with the financial and technical assistance of Russia. Russia also supported Pakistan in thermal power generation in recent years cooperation in the field of energy has intensified जिसकी दो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं नॉर्थ वेस्ट साउथ गैस पाइपलाइन के ऊपर और दूसरी फरवरी 2019 में ठीक है। हाउएवर बाकी पॉजिटिव चीजें सारी हाउएवर द बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया डज नॉट रिफ्लेक्ट friendly nature of relationship because it's too low given the size of economies of two countries given the size of interest convergence of interest of two countries is waqt jo bilateral trade hai pakistan aur russia ke darmiyan is just $600 million तो इकोनॉमिक रिलेशंस में बायलेटरल ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आज के दौर में कोई भी बायलेटरल रिलेशनशिप उस वक्त तक ड्यूरेबल नहीं हो सकता जब तक वो उसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर ना हो। और आज देखें आप दुनिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रेड बेस्ड है, ट्रेड के जरिए जुड़ी हुई है, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको ट्रेड का एलिमेंट बहुत वीक नजर आएगा। नंबर टू पे जनाब आप देखें आपके सिक्योरिटी रिलेशन देखिए सिक्योरिटी रिलेशन में अगर देखें तो ऑल द सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया इज अ वेरी रीसेंट फिनोमिनन क्योंकि बिफोर 2014 पाकिस्तान और रशिया के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी।
क्योंकि रशिया ने आपके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया। तो इट वॉज ऑनली आफ्टर 2014 के जब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन शुरू हुई है। अब हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। हमने फाइटिंग मतलब आप यूं कह लें कि टेक्टिकल लेवल के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। जैसे हमने 4 MI-35 फाइटिंग हेलीकॉप्टर उनसे परचेज किए हुए हैं। ट्रेनिंग्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, इसके ऊपर MOUs हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। यस लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। एक चीज तो ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है दैट इज लिमिटेड टू टेक्टिकल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान और रशिया के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन स्टिल नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि इस वक्त भी हमारा जो कन्वेंशनल साइड पर रिलायंस है ज्यादा USA के ऊपर है या कुछ हद तक हमारी चाइना के साथ है। रशिया के साथ कन्वेंशनल लेवल के ऊपर मिलिट्री कोऑपरेशन कन्वेंशनल किसे कहते हैं? अम्निशन वगैरह जिसमें असलाह, गोली, बंदूक, छोटे हथियार, टैंक्स, इसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, ठीक है ना? यस बिल्कुल लेकिन हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। देखो तीन किस्म की होती है, एक कन्वेंशनल होती है जिसको हम ऑपरेशनल भी कहते हैं किस्म का, एक होती है आपकी टेक्टिकल साइड के ऊपर, एक होती है आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये कि आप एक दूसरे के बड़े टारगेट्स करते हैं, खासतौर पर आप एटम बम मारें और सर उठते हैं, सॉरी सर नहीं मतलब अगले, क्योंकि बहुत बड़ा आपने वो करना है, ठीक है। टेक्टिकल लेवल के ऊपर है कि आप छोटे लेवल के मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर इस किस्म की चीज़ों को हम टेक्टिकल लेवल के ऊपर कहते हैं, बाकी होती है आपकी ऑपरेशन लेवल के ऊपर या सो कन्वेंशनल लेवल के ऊपर। इस वक्त हमारी कोऑपरेशन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। चल रही है, अभी चल रही है लेकिन अभी हमारी कोऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा रशिया G7 में कभी नहीं था, मतलब G8 पहले इनिशियली 1975 में G7 बना था, फिर 1998 में G8 उसको एक्सपेंड किया गया इनटू G8, ठीक। अभी वो दोबारा ट्विटर साहब के आने के बाद उसको फिर धक्का दे दिया गया है, जनाब आपके ना इकोनॉमी इस लेवल की है और ना ही आप उस उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं सारे, क्योंकि उस पर इकोनॉमिक सेंक्शन वैसे लगाई हुई है। अच्छा ये हो गया सिक्योरिटी के रिलेशंस, ठीक है। फिर आप आ जाए जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। देखो जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पाकिस्तान रशिया रिलेशन इन रीसेंट ईयर। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर हमारी कोऑपरेशन है, रादर यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन। पाकिस्तान रशिया क्लोजली वर्किंग, दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर ओवर दिस सिचुएशन इन अफगानिस्तान। बोथ हैव सिमिलर व्यूज ओवर दिस सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट कन्वर्ज इन अफगानिस्तान। Even Pakistan's and Russia's narrative and their opinions converge with respect to the situation in Syria. वहाँ पे भी पाकिस्तान और सीरिया के रशिया के इंटरेस्ट ज्यादा कन्वर्ज होते हैं as compared to Pakistan और USA के, क्योंकि पाकिस्तान also believes in internal settlement of or the Syrian-led settlement of the Syrian issue. They are not in favor of overthrowing the rule of regime of Bashar al-Assad. पाकिस्तान का यही ओपिनियन है कि बशार असद की हुकूमत को तख्ता उलटना, उसको हटाना ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहा था। पाकिस्तान ये चाहता है कि आप कोई भी डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन दूंगा जी प्लीज। नहीं नहीं, इट वॉज प्रो बशार असद एक्चुअली। जब शुरू में हमने ये दी स्टेटमेंट तो सऊदी अरेबिया ने उस वक्त भी हमें बड़ा प्रेशराइज किया कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान
कोर्स पाकिस्तान के अपने भी इंटरेस्ट हैं। एक तो ये कि सीरिया के साथ जब बशार अल-असद हुए उसके इसके जो वालिद थे हाफिज अल-असद उनके साथ भी पाकिस्तान के बड़े गहरे रिलेशन रहे हैं। तो पाकिस्तान की बड़ी एक क्रैक का उसके ऊपर स्टांस रहा। सो नंबर थ्री पे जनाब डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नंबर फोर डिप्लोमेटिक देखो बेचारे से कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, बीच में एक लफ्ज लिखी है फिर चार लाइनें छोड़ देती है, यहाँ पे आठ दस लाइनें छोड़ी हुई हैं आपने, बहुत अफसोस है। तेज पढ़ा रहा हूँ? नो सर, सर बहुत मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। देखो मजा पता किसको आता है? इसको सर नहीं, मुझे पता तो उसके साथ बैठा तुझे ज्यादा पता होगा। मैं और बात कर रहा सर, ये क्या बात है, नाराज ना हो। मैं ये कह रहा हूँ मजा पता किसको आता है किसी भी स्टेशन में, या तो ये होता है कि जो बहुत ही आगे हो या जो बहुत ही पीछे हो ना किसी चीज में, वो कहता है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज समझ आए या ना आए। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या सिचुएशन है, आई होप कि इसको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सारा कुछ लिख पा रहा हूं। हां लिख पा रहा है, समझ नहीं आ रहा। कहां से पूछ ले, कहां के हो भाई कान तो? हां नाथ्रिस्तान, बड़े खतरनाक इलाके से है नाथ्रिस्। आजकल की क्या सिचुएशन है नाथ्रिस्तान में, गए हो आप रिसेंटली? उधर ही रह रहे हो किस जगह पे? मैं मेरे नहीं गया हुआ और उस वक्त तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे 2015 जनवरी में, ऑपरेशन दरगाह चल रहा था और मीर अली, हमने एक रात मीर अली स्टे किया, फिर हम मीरठ शाह चले गए। मीरठ शाह जो बाजार है ना हमारे, उसके साथ ही एक यूनिट थी, वहाँ पे हम लोग डिप्लॉय थे जब हम मिलिट्री अटैचमेंट पे गए। तो जब हम मीर अली से मीरठ शाह ट्रैवल किए थे रात के भी 10 बजे, तो एक कैप्टन साहब हमें लेके जा रहे थे, अब उसके साथ 4-5 गाड़ियाँ थी और कैप्टन साहब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वो कोड वर्ड यूज कर रहे थे कि यार मैं, अब हम चार लोग थे ना, कहते मैं चार जो है ना मिठाई के डब्बे लेके जा रहा हूँ ना, कि वो क्योंकि होती है ना वहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेते हैं टेररिस्ट, उस पर बहुत ज्यादा थे सारा कुछ, तो हम परेशान के पता नहीं कौन से मिठाई के डब्बे लेके जा रहे हैं यार, और कभी कहें आम की पेटियां भी साथ हैं और आम के वो भी हैं, तो उसका हालात बहुत खराब थे और हमें तो उसने डरा ही दिया कि यार यहाँ वो हमें साथ साथ ये भी, हालांकि हमें वो ज़्यादा सिक्योरिटी में लेके जा रहा काफ़ी हमारे साथ चला यहाँ से वो बनू से आगे कौन सा एरिया यार नहीं जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है यहाँ पे कौन सा हो सकता है, यहाँ से वो तकरीबन हमारे साथ 12-13 घंटे रहा। वो जब मिलिट्री अटैचमेंट होती है ना, तो चार बंदों को कहीं फेंकते हैं फिर चार बंदों को कहीं फेंकते हैं, वो हर कोर में 20-25 लोग जाते हैं ना, तो वो साथ में डरा भी रहा हूँ कि यार आईडी फटती है यहाँ पे हमारा अपना मेजर को जब हमने रॉकेट लॉन्चर से उसका सर उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनका यहाँ पहले से पहुँच जाए, हमने तो कभी भी शहादत की कैश नहीं की थी कि कहाँ हम आ गए हैं यही लोग। तो अगले फिर भी हम 10 या 12 दिन रहे वहाँ पर, 3 डिफरेंट यूनिट्स थी, हर यूनिट के साथ हम 3-3, 4-4 दिन रहे। तो एक दिन हमें लेके गए वो लास्ट पोस्ट जो थी अफगान बॉर्डर के साथ, वहाँ पर लेके गए हमें, और हर लम्हे हमें ये होता था। अच्छा फिर एक रात एक साहब थे जो यूनिट के हेड थे ना, वो गए हुए थे ट्रेनिंग पे, उनके पीछे जो उनका था 2IC जिसको वो कहते हैं मेरे में सेकंड इन कमांड, उसको उन्होंने कहा ये लड़के आए हुए इनको थोड़ा पता चले गए आए थे अटैचमेंट बेसिस और काम को। अब उनका ना रात को होता था पेट्रोल और वो अंधेरे में करते थे, वो कौन से ग्लासेस होते हैं वो लगा कर जो नाइट विजन क्या होते हैं। अच्छा जनाब उसने, हम दो बंदे थे, उसने हमें कहा कि आज आपने इनके साथ जाना है, हमने कहा जल्दा कर दे क्या। अच्छा अचानक बारिश शुरू हो गई, अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप या तो आप वहाँ पे दरख्तों में या झाड़ियों में घुस सकते हो, या फिर आप पुराने जो घर बने हैं उनके वहाँ पे कहीं पे रात को बसेरा कर सकते हो। आधी रात उनने कहा जी जनाब वो एक नाली बनी थी में फसलों के दरमियान में,
उसके उसमें अंदर पड़े रहे और मच्छरों ने सारी रात हमारे स्कूल बदला लिया और हमने हर लम्हे कैप्टन को वो गालियां दी कि आज भी हमें वो याद है, हमने कहा किसके हम मत्थे जाग गए। लेकिन ये है कि वहाँ पे जाके ना हमें कुछ डायनेमिक्स समझ आए पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि डेफिनेटली हमसे आर्मी वालों ने कुछ झूठ बोलेंगे, ठीक है, एक आर्मी वाले ने हमसे बहुत सच बोला, उसने हमें कहा वो देखिए वो गुंबद कुमार जगह नज़र आ रही है यहाँ पे 82 बच्चे पाए जाते हैं, हमने कहा ये कौन से, उसने कहा ये समझ रहे हैं ना इसका हमें उधर से इंतजाम आता है कि यहाँ पर इतने लोग वहाँ पर मौजूद हैं। खैर कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं कि यहाँ पे क्या मसले थे असल में वहाँ पे, अगर आप डार्क पुलिस हम ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इट्स नॉट ओनली लिंक टू दी आपका पॉलिटिकल जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं बल्कि उसके सोशल सिस्टम से आपको नजर आएंगे, सोशल सिस्टम उनका इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद नहीं है क्योंकि क्या कहाँ से वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, ना उनके पास एग्रीकल्चर है ना इंडस्ट्री है, ठीक है। सो आपको बहुत से लोग देखेंगे, मैंने वहाँ पे देखा आपकी बात नहीं करा तो शरीफ आदमी है, बहुत से लोगों के मैंने घर देखे तो बाहर से कुछ और था अंदर देखेंगे बिल्कुल अलहदा दुनिया थी, तो मैंने सोचा कि यार एक घर में बड़ी सी हवेली थी, अंदर गए तो 11-12 बड़े कमरे थे और हर कमरे में अंदर उसने बहुत अच्छा मतलब उस एरिया के लिहाज से देखें तो बिल्कुल लग्जूरियस था और 12-13 AC लगे हुए, हमने कहा यार ये यहाँ पे लोगों का क्या रोजगार है, ना यहाँ पे हमें कोई फसल नजर आ रही है, एग्रीकल्चर नजर आ रही है, क्या तो क्या है, उन्होंने कहा यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा जो भरोसा है वो है चर्च, किसको चर्च याद आ गई, अच्छा वहाँ पे स्मगलिंग मतलब बहुत ज्यादा होती है और खैर डेफिनेटली ड्रग्स का भी होगा धंधा को इतना कुछ है ना, सवार खाते हो ये क्या इसमें क्या बुरी क्या बात है यार, मुझे पिछले एक बैच में लड़की ने कहा कि सर वहाँ पे उसके रहमानाबाद कैंपस में था कि नस्वार तो सौगात है हमारी सर आप ऐसे? अभी चाहिए तो बताएं सर, नस्वार चाहिए तो अभी मिल सकती है, नस्वार ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं हम करते सही बात कर रहे हैं आर्मी वालों ने आप लोगों को क्या बताया कि मतलब किस तरह टैकल किया यहाँ पे, अब हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है? यार बेसिकली उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि हाँ जी बिल्कुल नहीं बताया कि वो कैसे यहाँ पे ये लोग एस्टेब्लिश कैसे हुए, क्योंकि बेसिकली तो हमारे यहाँ जो नैरेटिव है किताबों में जो लिखा जाता है वो ये है कि जनाब ये अखबारों में कि 2007 जो था वो आगाज का साल था जब TTP कैम हुए, मोटर साल के 8 बजे वहाँ पे ग्रुप से उन्होंने मिलकर TTP बनाई और उसका रिएक्शन कहा जाता है कि रिजल्टेड रिएक्शन टू ये लाल मस्जिद वाकई होता था, तो उनकी भी यही सेम स्टोरी थी जो कि स्टेट का एक नैरेटिव बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब हम खुद गए तो हमें लगा कि ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पर जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन थे वो भी इसके सिस्टम का हिस्सा थे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, या चाहे वो आर्मी हो, या बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा थे, उससे उनके मफादात जुड़े हुए थे उन सारी चीज़ों से। इवन कि अगर आप कहें कि जी पिछले 70 साल में हमने उसका स्टेटस क्यों नहीं चेंज किया, तो उसमें भी लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, FCR में लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, कबायल के इंटरेस्ट थे, फोर्सेज के इंटरेस्ट थे, पुलिस के इंटरेस्ट थे, स्टेट के इंटरेस्ट थे कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा वहाँ पे सिस्टम है, उसको इतनी इजीली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते जैसा इन्होंने अब किया है। हालांकि जब ये लोग गए थे दिस टास्क फोर्स लेड बाय सरताज अजीज व्हेन दे विजिटेड नॉर्दर्न वजीरिस्तान पूरा का पूरा जो ट्राइबल एरिया 7 एजेंसी और 7 जो ट्राइबल रीजन थे सारे नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब ये गए थे विजिट करने रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशन लेने गए थे तो उस वक्त इनिशियली यही था कि आपने जाके लोगों से लेनी है राय, लेकिन लोगों से राय नहीं ली गई,
उसके दो तरीके उन्होंने अख्तियार किए, एक तो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया कि जिसमें लोग अपने ओपिनियन देते रहे, कोई ब्रिगम में 3500 से 4000 लोगों के उसके ऊपर ओपिनियन आए। फिर इन्होंने ये किया कि वहाँ पर जाकर जो ट्राइबल एल्डर्स थे उनसे मिलना शुरू किया कि अब हम हर आदमी से नहीं मिल सकते, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम में ना होता है। तो वो फिर ट्राइबल एल्डर्स की जो थी चीज़ें उनको माइंड में रख कर दिया गया। इवन के वो ट्राइबल एल्डर्स भी कहते हैं कि हमारी बहुत सारी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया उन्होंने, इसमें इंक्लूडेड नहीं किया। लेकिन आई डोंट सी के इतने 8 या 10 साल में ये सिस्टम इतनी जल्दी वो हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इट विल टेक मोर देन 3 या 4 decades मेरे ख्याल में, अगर इसी पेस से, जिस पेस से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अन्ना इनके पास पैसा है। जब अब जब फाटा के लिए फाइनेंसिस की बात आती है तो फेडरेशन कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, या तो केपी दे दे या फिर सूबे जो अपना NFC में से शेयर उसमें से कुछ ना कुछ टेंडर करें। और फेडरल गवर्नमेंट जो कहते हैं जितने हमारा तो एक ही मसला हल नहीं होता, वो है डिफेंस का, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कभी कहते हैं 18th Amendment को खत्म कर दो, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फाटा के बारे में चीजें हैं, फाटा मर्ज तो होगी है उसमें, लेकिन वहाँ की सोशल डायनेमिक्स को, इकोनॉमिक डायनेमिक्स को और सिक्योरिटी के डायनेमिक्स को चेंज करना अभी ये कब्ज़ इस वक्त होगा। अगर आप ये कहेंगे जनाब 10 या 8 साल उसको चेंज कर सकते हैं। एनीवेज हम पहुंचे जनाब डिप्लोमेटिक रिलेशन में। देखो डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है। नो डाउट स्टिल रशिया डज नॉट सपोर्ट आर इट opposes Pakistan at certain international forums with respect to certain issues, security issues say. Lekin overall relationships have improved a lot comparatively. Agar aap 2014-15 se pehle ki dekhiye, isme maine ek example aapko di BRICS ke forum ke upar jab wo hua. Dusre number pe aap post Pulwama जो स्टैंड ऑफ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस वक्त भी रशिया की स्टेटमेंट या रशिया का जो एटीट्यूड था, इट वाज कैलकुलेटेड एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रल। दे डिड नॉट सपोर्ट इंडिया, दे सिंपली सेड के पाकिस्तान एंड इंडिया नीड्स टू, इवन फ्रांस ने इंडिया का साइड जरूर ली, जब फ्रांस ने कहा, यह कहा था कि इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक को रिस्पॉन्ड करना उसका हक है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि ये हमारे ऊपर पठानकोट पाकिस्तान की तरफ से आए, और हमने जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया तो फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट जरूर आई कि इंडिया हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड टू एनी अटैक अगेंस्ट इट्स सॉवरेनिटी, बट रशिया रिमेंड न्यूट्रल ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा एस्केलेशन अच्छी चीज नहीं है, डीएस्केलेट करने की जरूरत है। इवन अभी आप देखें जो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, तो क्योंकि जैसा माजी में रशिया के रिलेशनशिप थे इंडिया के साथ, तो दे यूज टू ओपनली सपोर्ट इंडिया स्टैंड्स एंड इंडियन नैरेटिव, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। बहुत से एरियाज के ऊपर कन्वर्जेंस हो रही है, लेकिन अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करने की, कि जहां पर आप डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को सपोर्ट करें। फिर लास्ट है जनाब इसमें आपका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आई थिंक दिस इज द वीकेस्ट एरिया इन इंडिया एंड पाकिस्तान रशिया रिलेशन। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स दे रिमेन मार्जिनलाइज्ड। इवन आप क्या दिखा रहे होते, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम, ताकि बाकी क्लास को एम को शुभ हो ना कोई। एक तो ये साइड ना ऐसे हंसती है, इतनी गंदी सोच बनाई हुई आप लोग, ये साइड बात सीधी सी बात कह रहे ना कोई बंदा, तो इनकी ऐसी शैतानी हंसी निकलती है ना, ऐसे है ना देखो ये शरीफ लोग है, नहीं उसको आईना दिखा रहा था वो, मैं तो ये कह रहा था वो उसको आईना दिखा रहा था, और तूने भी खुद को आईना दिखा दिया। इमोशनल दिया ना। अगर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट देखें तो दे रिमेन मार्जिनलाइज्ड। इवन आप डायस्पोरा ऑन बोथ साइड इज
अब पाकिस्तान डायस्पोरा रशिया साइड पे देखिए, रशियन डायस्पोरा यहाँ पे देखें जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो भी बहुत कम है। आपको पता है आज के दौर में व्हेन लॉबिंग प्लेज इम्पोर्टेंट रोल और किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी टिल्ट करने में दूसरी सोसाइटी की कम्युनिटी, दूसरे मुल्क की कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उस वक्त पाकिस्तान और रशिया के जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। इवन लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। आज पाकिस्तान में भी जो रशियन लैंग्वेज अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट की है, इवन डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी आज हमने आकर उसको इम्पोर्टेंस दी है। पहले तो पाकिस्तान डिप्लोमेट इंटरेस्टेड ही नहीं थे रशियन लैंग्वेज सीखने में, लेकिन पिछले 2-3 साल से अब हमारे फॉरेन ऑफिस ने कंपल्सरी कर दिया है कि सबसे ज्यादा, मतलब 2014 में सबसे ज्यादा लोग रशियन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। इससे पहले रशियन लैंग्वेज सीखने लोग रिफ्यूज कर देते कि हम रशियन लैंग्वेज सीखने नहीं जाना, इस बार हमने कंपलसरी कर दिया कि 5 लोग लाजमी जाएंगे। अगले साल उनका टारगेट है कि हम 6-7 लोग भेजेंगे ताकि, और इस तरह से लैंग्वेज के कोर्सेज वगैरह इस साइड पे भी और उस साइड पे भी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना ये बहुत जरूरी है। तो ये है जनाब। अच्छा, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है पाकिस्तान रशिया रिलेशन फ्यूचर, व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशन? देखिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स सीम टू बी, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप के, बेहतरी की उम्मीदें हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन सी चीजें जिससे पे आप कह सकते हैं पाकिस्तान रशिया के रिलेशन दे कैन इवन गो इन मोर पॉजिटिव डायमेंशन, दे कैन गो इन मोर स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशनशिप इन फ्यूचर, किन बेसिस के ऊपर? जी, नंबर वन, ये तो है जनाब सिक्योरिटी के अरेना में पाकिस्तान और रशिया की जो कोऑपरेशन है वो मजीद बढ़ेगी। क्यों? कि द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन दिस रीजन डिमांड्स आर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सर्वाइवल के इंटरेस्ट दे आर लिंक्ड विद द सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन। वो सिक्योरिटी चाहे अफगानिस्तान में हो, वो सिक्योरिटी चाहे सेंट्रल एशिया में हो, वो टेररिज्म की एलिमिनेशन हो, तो सिक्योरिटी रिलेशनशिप मजीद इंप्रूव होंगे पाकिस्तान और रशिया के। नंबर दो पे स्पेस इन बायलेटरल ट्रेड, स्पेस इन बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड में भी स्पेस काफी मौजूद है कि अगर हमारे दरमियान जो पॉलिटिकल और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है तो हम एक बायलेटरल ट्रेड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे रशियन साइड से एनर्जी के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रशिया हमें दे सकता है एनर्जी के सेक्टर में मजीद, और पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स कैन फाइंड रशियन मार्केट अ लुक्रेटिव स्पेस, अ लुक्रेटिव मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। फिर है जनाब एससीओ, नाउ पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एससीओ, रशिया एससीओ का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो एससीओ के फोरम पे भी और एससीओ का फोरम जो है कैन बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज। हर्डल्स क्या हैं? व्हाट आर द हर्डल्स इन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस? हाँ जी, सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है सर, वो हर्डल है। इकोनॉमी पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि यूएसए से इस मोड में है कि उस टाइप तक रिलेशनशिप हमारे जाएंगे कि और उसको कर सकते हैं। देखिए जी, पहला हर्डल क्या है? हिस्टोरिकल बैगेज ऑफ मिस्ट्रस्ट। सब 60-65 साल की आपकी मिस्ट्रस्ट हिस्ट्री है, एक ऐसे रिलेशनशिप को कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा, जो रिलेशनशिप दुश्मनी की बेस पे रहा हो पहले। नो डाउट एक स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान और रशिया रिलेशन में बेहतरी की तरफ, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जाना
ठीक है, उसमें एक जो हिस्टोरिकल मिस्ट्रस्ट है दोनों के दरमियान के, हमने कोल्ड वॉर में उनके अगेंस्ट काम किया, अफगान जिहाद में काम किया, उन्होंने हमारे एक पूरा का पूरा एक आधा हिस्सा हमारा तोड़ने में हमारे अगेंस्ट काम किया, तो एक हिस्टोरिकल बैगेज जो है मिस्ट्रस्ट का, वो पहला फैक्टर है। नंबर टू, दूसरा क्या बनेगा जी, लिंग्विस्टिक वेरी लिमिटेड कोऑपरेशन। और देखिए इस वक्त अगर पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप देखें तो आपको नजर आएगा कि बेसिकली दे आर सिक्योरिटी रिलेशन, जितनी भी कोऑपरेशन हो रही है दैट इमर्ज आउट ऑफ रशियन सिक्योरिटी कंपल्शन इन दिस रीजन, इकोनॉमिक साइड के ऊपर और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट साइड पे देखें तो ये रिलेशनशिप आपको लिमिटेड नजर आते हैं। आज के दौर में अगर कोई बायलेटरल रिलेशनशिप ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, दैट रिलेशनशिप नीड्स टू बी मल्टी डायमेंशनल, दैट शुड कवर ऑल दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप, वो इकोनॉमिक साइड के ऊपर हो, ट्रेड बहुत ज्यादा, वो चीज आपको मिसिंग नजर आती है। इवन पाकिस्तान के लिए आज भी ये कंसर्न है, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि रशिया माइट प्रूव इटसेल्फ एज एन अदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वे यूएसए डिड इन पास्ट विद पाकिस्तान, यूएस रशिया को इस तरह से कर सकता है। यहां पे खौफ है क्योंकि रशिया इंडिया को भी नाराज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसलिए इस वक्त वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त देखें तो रशिया अपने आप को बहुत ताकतवर और वो सक्सेसफुल समझ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान पर्टिकुलरली, क्योंकि यूएसए इस वक्त बहुत ही वीक पोजीशन में, दैट्स व्हाई दे रिवर्स देयर ओल्ड पॉलिसी ऑफ अपोजिशन टू तालिबान एंड क्लोज रिलेशन विद तालिबान, आज तो क्लोज रिलेशन विद नॉर्दर्न अलायंस, आज उन्होंने तालिबान के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करी, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये रिलेशनशिप जो है एक लिमिटेड नेचर का है, that needs to be a multi-dimensional and long-term relationship. फिर इंडियन फैक्टर हो सकता है एक और हर्डल। इंडियन फैक्टर किस तरह से हो सकता है, देखें इवन आज भी अगर आप रशियन फॉरेन पॉलिसी पेपर्स को स्टडी करें पिछले 5-6 साल के, उनके 2011-12 से ऑनवर्ड अगर आप उनके रशियन फॉरेन पॉलिसी पेपर्स देखें, रशियन फॉरेन पॉलिसी पेपर्स से मुराद है दैट रिफ्लेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया, तो उसमें इंडिया टेक्स द पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट अलाइव to achieve Russian geostrategic aims in this region, but there is no mention of Pakistan. Pakistan ka even mention usme nahi hai. So Pakistan mein ye bhi hai ke even 2012 mein Russian President Vladimir Putin was scheduled to visit Pakistan. All of a sudden, before 3 days of that visit, all of a sudden that visit was cancelled. Yahan par aur Indian media ne rumor phailaye ke India played a very important role in cancellation of that visit. फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर है, उन्होंने कहा जाना वैसी कोई बात नहीं है, आपके कहा कोई सिक्योरिटी इश्यू थे जिसकी वजह से हमने ये विजिट कैंसिल किया, अदरवाइज उसके पीछे और कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन इंडिया स्टिल एक ब्लॉकेज है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप को मजीद आगे ले जाने में। अच्छा, इससे पीछे इवन प्रोस्पेक्ट्स और हर्डल्स से ऊपर एक आप और फर्दर उसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या रहे हैं, व्हाट हैव बीन द कॉमन फैक्टर्स इन पाकिस्तान रशिया रिलेशन जो पिछले 70 साल की तारीख में आपको नजर आते हैं। कॉमन फैक्टर्स 3 हैं, यूएसए, अफगानिस्तान और इंडिया। कैसे, यूएसए इस तरह से कि इनिशियल ईयर्स में रशिया के साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह भी हमारी अमेरिका के साथ क्लोज कोऑपरेशन थी। आज अगर 2014-15 के बाद हमारी पॉलिसी एक दूसरे के खिलाफ उसके साथ बेहतर हुई है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेहतर, तो उसमें भी फैक्टर यूएसए था क्योंकि हमारे यूएसए के साथ रिलेशनशिप डिटेरियोरेट होना शुरू हुए। इंडिया फैक्टर, इंडिया शुरू में क्योंकि इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रांग थे इसलिए हमने समझा, और 2000 अब इस टाइम क्योंकि वो यूएसए के करीब जा रहा है तो रशिया को लगा कि एक हमें स्पेस चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हम एक एलाई चाहिए जो उसके रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में हेल्प आउट करे। फिर अफगानिस्तान किस तरह से कि पहले हम अफगानिस्तान ही वो जगह थी जहां हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े हैं 79 से 89 तक, आज वो अफगानिस्तान ही जगह जहां पर हम क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले अफगानिस्तान एक नेगेटिव फैक्टर था, आज अफगानिस्तान एक पॉजिटिव फैक्टर है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में।
तो जनाब दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान रशिया रिलेशन। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, मैं आपको सारी डायमेंशन समझा दिए हैं। अब आपके पास सवाल ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान राइट अ डिटेल्ड अकाउंट और क्रिटिकल अकाउंट ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशन इन रिसेंट ईयर, इस तरह से सिंपल सा आ सकता है, जिस तरह मैंने आपको सारी बताई इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि जनाब increasing indo-us strategic partnership to which extent increasing indo-us strategic partnership has played an important role in reapproaching between pakistan and russia, theek hai is sawal se aa sakta hai afghanistan ki situation, how afghanistan this deep the changing situation in afghanistan or how the convergence of interest of pakistan and russia in afghanistan has led to the reapproachment between pakistan and russia, ठीक है। सीपेक के हवाले से आ सकता है या चाइना, हाउ चाइना बिकम्स अ कॉमन फैक्टर और थर्ड पार्टी इन पाकिस्तान एंड रशिया कॉपरेशन, इस तरह एक पिछले कई सालों से एक हाइपोथेसिस ये भी पेश किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान रशिया और चाइना मिलकर एक ब्लॉक बनाकर यूएसए के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, माइट बी वर्किंग टूगेदर। तो इसके ऊपर आप अपनी राय नहीं जनाब, ये पॉसिबल है या नहीं है, पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस चीज को, नहीं कर सकता, क्या पाकिस्तान के लिए एडवाइजेबल है कि वो इस वक्त दोबारा ग्रेट पावर रिवेलरी में अपने आप को उसका हिस्सा बनाए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस ग्रेट पावर रिवेलरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, रादर पाकिस्तान शुड जी बिल्कुल मेरा ख्याल ये, आप अपनी उस पर, लेकिन साथ आपने फिर सॉलिड रीजन देने हैं कि क्यों करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जनाब ये एक ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बन सकता है ऑल दैट। ठीक है, ये आपकी कुछ डायमेंशन है जो जहां से आपका सवाल इससे रिलेटेड बन सकता है। अच्छा जी, कितना टाइम बाकी है? इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट के साथ फॉरेन पॉलिसी, क्रिटिकल एनालिसिस, पाकिस्तान टर्की और पाकिस्तान मलेशिया, ये तीन रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रिलेशन, पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन, और इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट और सिचुएशन की वजह से, फिर पाकिस्तान और मलेशिया, पाकिस्तान के मलेशिया के साथ रिलेशन और पाकिस्तान के टर्की के साथ रिलेशन। तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा, एक तो मैं जल्दी आ जाऊंगा कि तीन घंटे पढ़ना पड़ेगा, तीन रिलेशन है और आपको मे बी नोट करने का वक्त भी ना मिले क्योंकि वो काफ़ी फिर थोड़ा सा बोरिंग भी होगा लेक्चर में भी बोला। फिर आखिरी लेक्चर होगा, सॉरी आखिरी लेक्चर जो होगा उसमें फिर हम मेजर पावर्स की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान यू एस ए रिलेशन आपको फरीद साहब आर एडी पढ़ा चुके होंगे, वो शायद पढ़ाएंगे अभी, पाकिस्तान चाइना रिलेशन पढ़ा चुके होंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपैक, सीपैक पढ़ाया था मैं आपको, वो भी पढ़ाएंगे आपको, और पाक अफगान भी वो पढ़ाएंगे इस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये तीन चीज़ें उन्होंने पढ़ानी होती हैं और बाकी ये जो चीज़ें वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपका कब खत्म हो रहा है बैच यहाँ पे? 24 अक्टूबर से, मिड अक्टूबर में स्टार्ट कब दिया था? 25 अक्टूबर, ठीक हो गया, तो आप सब लोग पेयर हो रहे हैं इस बार बराबराना बात।